नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बंदर तो आप सबने देखा होगा। बंदर कैसे एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी से फिर तीसरी जगह कूदता रहता है, ये तो आपने देखा ही होगा। बंदर बड़ा अच्छा गुलाटी भी मार लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम इस वक्त बंदर की बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज जिस शख्स की बात हम करने जा रहे हैं, उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही हैं। जी हाँ, हमारे थंबनेल और टाइटल से तो आप सब लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं। वही सिद्धू जो कंफ्यूज है, वही सिद्धू जो एक बेहतरीन क्रिकेटर तो रह चुके हैं, लेकिन राजनीति में उन्हें करना क्या है ये शायद वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तभी तो पंजाब में कांग्रेस की नाक में दम करने और अपने मन मुताबिक सरकार बनवाने के बाद भी सिद्धू ने आखिरकार अपने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू खुद कंफ्यूज है कि आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये पहली बार नहीं जब सिद्धू ने कोई पद छोड़ा हो। असल में सिद्धू इस्तीफा देने के हेडमास्टर हैं। दरअसल आपाधापी में छोड़ने की आदत सिद्धू की पुरानी आदत है। छोड़ने का एक किस्सा काफी पॉपुलर भी है। बात 1996 की है। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर गई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की एक बात चुभ गई और वो इस दौरे को बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए थे। कांग्रेसी नेता के बेटे नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 2004 में बीजेपी का दामन थामकर सियासी पारी की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव में लगातार जीत के साथ उन्होंने राजनीति की पिच पर खुद को साबित भी किया। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में अरुण जेटली के लिए उन्होंने अपने अमृतसर की सीट छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ उनकी सीट छोड़ना भी अरुण जेटली के लिए सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि उस सीट पर जेटली कैप्टन अमरिंदर सिंह से चुनाव हार गए थे। साल 2016 में नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बनाया, लेकिन यहाँ भी सिद्धू ज्यादा दिन नहीं टिक पाए और 3 महीने पद पर रहने के बाद ही उन्होंने इसे भी छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया। 2017 में सिद्धू ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी पर खूब शब्द बाण चलाए। वही आम आदमी पार्टी जिसने हाल ही में सिद्धू को कांग्रेस की राखी सावंत तक करार दिया था। कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही सिद्धू को कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया। इसी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सिद्धू की तनातनी भी शुरू हो गई। मौके बेमौके सिद्धू कैप्टन के खिलाफ जुबान खोलने में बिल्कुल भी नहीं चकते थे। पंजाब कांग्रेस में रहते हुए सिद्धू ने खुद को अमरिंदर के बराबर का बताने के लिए जी तोड़ मेहनत की। इसके बाद साल 2019 में कैप्टन ने सिद्धू का विभाग बदल डाला और उन्हें ऊर्जा मंत्रालय सौंप दिया। कैप्टन के इस फैसले से भी सिद्धू खासा नाराज हुए और कैबिनेट मंत्री के इस पद को तुरंत छोड़ दिया। जून 2019 में मंत्री पद छोड़ने के बाद साल 2021 के जुलाई महीने में उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली दरबार में दरवाजों को खटखटाना शुरू कर दिया। इस बीच लगातार बढ़ रहे मतभेदों और पार्टी के विधायकों के कैप्टन के खिलाफ होने के कारण कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया और अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से भी सिद्धू की जीत मानी गई, क्योंकि चन्नी भी सिद्धू खेमे के ही कांग्रेसी थे। हालांकि सिद्धू के मन में क्या चल रहा था ये किसी को अंदाजा तक नहीं था और उन्होंने एक बार फिर छोड़ दिया पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद। अब सिद्धू के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वो ही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से पहले सिद्धू ने अपनी छोड़ देने वाली नीति के चलते पंजाब में कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।